में दलित उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ से इस तरह की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। ताजा मामला में थाना बिसंडा अंतर्गत ओरन गांव से यह मामला सामने आया है, जहां मूल चंद राय दास ने बताया कि उसके खेत से कुछ दबंगों ने ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की, जिस पर जब उसने उसको रोका तो उन लोगों ने उसको इतना मारा कि वो पिछले 4 दिन से जिला अस्पताल में भर्ती रहकर अपना इलाज करा रहा है। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे खेत से ट्रैक्टर निकाला, हम मना किया, भैंस चराते थे। अब भैंस चराने के बाद मना किया तो उन्होंने कहा कि हम कहा ट्रैक्टर नहीं निकालता हूँ, गाली गलौज किया। फिर उन आए बुलाया फोन करके तो मारने पीटे हमको लगे। फिर रोहित आया, कहा कि 20 बीघा खेत बाप मर गया तो 20 बीघा खेत बेच के लगा दूंगा मारू साले को। कौन लोग थे ये? बामन थे। कितने लोग थे? लगभग 4। 4 आदमी थे? हाँ। कोई पुरानी रंजिश? कोई नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रैक्टर निकालने को लेके मारा। हाँ, गया। हाँ। कब से भर्ती हैं आप यहाँ पर? 28 तारीख। अब तक मुकदमा लिखा है? नहीं लिखा गया। क्या कह रहा है इसको? कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 4 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती मूल चंद राय दास ने बताया कि उसने घटना वाले दिन ही पुलिस को प्रार्थना पत्र दे दिया था, लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही मुकदमा लिखा गया है, ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है और वो मूल चंद राय दास के परिवार को बराबर धमकी दे रहे हैं, जिससे मूल चंद का परिवार दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। ये घटना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। द नेटिजन न्यूज़ के लिए बांदा से नजरे आलम।